दोस्तों ये किबले की पुराना ताला पुरानी चाबी रखी है, आप ये देख सकते हैं सामने। ये जब सऊदी पे तुर्की राज था, तुर्कियों के ज़माने का, ये इन्हीं के पास रखा है ताला और ये चाबी। ये उसी ज़माने की ताला चाबी है जब तुर्की लोगों का सऊदी पे राज था। ये आप देखिए, ये ताला है ऊपर, नीचे ये चाबी रखी है इसकी। ये सारे खाने कावा के ताले हैं पुराने, उनकी चाबियां आई है। दोस्तों यहाँ पर जो है 400 साल से कंटिन्यू कुरान पढ़ा जा रहा है, बदलते रहते, लेकिन 24 आवर कुरान शरीफ पढ़ा जाता है यहाँ पर। रात में भी ड्यूटी बदल जाती है 2 घंटे के बाद, लेकिन कुरान की तलावत, ये देखिए, ये पढ़ना कुरान शरीफ 400 साल से 24 आवर पढ़ा जाता है, ये आज तक बंद नहीं हुआ। ये हजरत असवद का कब्र रखा है। ये 400 साल से कंटिन्यू कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। ये हजरत मूसा अलैहि सलाम का आसा है, आप ये देखिए। ये देखिए मूसा अलैहि सलाम का आसा रखा है तुर्की में, ये निजम में। कदम मुबारक, कदम मुबारक, कदम मुबारक है, आइए ज़ियारत करिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नक हमीद मजीद। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक रखा है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुमाल मुबारक है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये दाऊद अलैहि सलाम की तलवार, ये दाऊद अलैहि सलाम की तलवार मुबारक है। ये कुरान मजीद, कुरान मजीद हाथ का लिखा हुआ सोने का, ये खाने खाने काबे का ऊपर का सोने का वो होल है। ये दोस्तों 400 साल से कंटिन्यू कुरान की तलावत यहाँ चल रही है और ये 24 घंटे चलती है, ये ड्यूटी बदल जाती है, लेकिन कुरान की तलावत बंद नहीं होती। और ये इनका मानना है कि इसी वजह से यहाँ पर आज तक किसी हुकूमत ने इन पर कब्जा नहीं कर पाया और ये अपनी हुकूमत खुद संभालते हैं। जंग में जाने के जंग में जाते थे,
मुबारक जुब्बा गैर है जुब्बा दोस्तों ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक का बाल जो आपको ये नजर आ रहा है। चलो रोकता हूँ थोड़ा सा, सही पड़ा। चलो इतना टाइम मत लगाओ, औरों को मौका दो। आप देख रहा है मुबारक का बाल है, ये देख रहा है नजर आ रहा है, ये देखिए म्यूजियम में रखा है, ये उनका का मुंह मुबारक नजर आ रहा है। ये जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवारें रखी हैं, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवारें रखी हैं, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चप्पल मुबारक जूते मुबारक रखे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये नालम शरीफ हाँ, और इस बॉक्स में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक रखे हैं जो कि अभी लॉक करके रखा हुआ है इन्होंने। बाकी सब आप देख सकते हैं, मुझे मुबारक है, या का सामान है सारा जो कि तुर्की के म्यूजियम में रखा है, ये देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते मुबारक, ये देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में जब पानी पिया था तो वो इस कांच के बर्तन में पिया था जो कि अब टूट चुका है, इसके टुकड़े संभाल के रखे हैं, इस टुकड़ों में रखा था पानी जो आप आखिरी वक्त में पिया था, और वो उसमें मट्टी है जो कि आप, तो ये इस बॉक्स में कबर की मिट्टी है और उसमें उनकी गुंबद की मिट्टी है, जार में बॉक्स में कबर की मिट्टी है, और इसमें इस वाले बॉक्स में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी का वादा है, ये जो गोल्डन बॉक्स, ये सब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारायण शरीफ है। आप देख सकते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते मुबारक, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चप्पल, और ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तलवारें इस्तेमाल करी हैं ये वो रखी है सारी की सारी, ये तुर्की के म्यूजियम में है, ये इस्तांबुल में। ये हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला जो अशरा मुबशरा में है उनकी तलवारें हैं ये सारी। ये पहली तलवार हजरत उमर की है, तलवार मौला अली की है, ये चार तलवारें हैं आप देख सकते हैं, इसमें पहली तलवार जो है उमर रजी अल्लाह तआला की है, और दूसरी तलवार जो है हज़रत अली रजी अल्लाह तआला की है, तीसरी तलवार हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला की है, और चौथी तलवार हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह तआला की है, और अब आप देख सकते हैं इन तलवारों को, ये रही चारों तलवारें, ये चारों तलवारें आपके सामने। उम्मीद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बीबी फातिमा की शादी का दुपट्टा रखा है, ये पगड़ी है, पगड़ी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पगड़ी रखी है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की पगड़ी रखी है, ये अमामा रखा है, ये बी फातिमा की शादी का दुपट्टा, अली रज़ी अल्लाह तआला का मामा, क्यों रहे हो क्यों टहल रहे हो, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कपड़े हैं, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला के कपड़े रखे हैं, ये आप देख सकते हैं, इंडियन मर्चेंट में
कहते हैं।